हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार और मैं अभिषेक और ये तीन चाय बोल रहे। तो देखिए, इससे पहले हमने देखा था द एक्सपोज करके हिमेश रेशमिया का, और आज मतलब कल ही पठान सर मतलब शाहरुख खान का पठान आया तो हिमेश रेशमिया कहाँ पीछे हटने वाले थे। लोग मुझे इस तरह से मैसेज कर रहे कि बहुत बड़ा बवाल आ चुका है। तो हिमेश रेशमिया का आज आ गया है टाइटल अनाउंसमेंट, तो इतना मैसेज आया तो पहले देख ही लेते यार क्या है। तो चलिए देखते। पचास पचास कोस दूर बराबर जब कोई हरामजादा अपनी हरामी के लिए दिखाता है तो उसके अंटर पंटर बोलते हो सुधर जा, सुधर जा नहीं तो रवि कुमार आ जाएगा। ओ वो भाई ने बॉडी वीडियो बनाया रे। वो तो तूफानों से खेल रहा है रवि कुमार, जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। अरे कसम, अरे केजीएफ बटर भाई तितलिया, मतलब दोनों अलग अलग है। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मुंह। अरे वाह, वो टाइटल है ये। नेगेटिविटी and you are very negative. Are maaf sam, oh 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 veles ravi kumar, oh oh expose universe, डबल मसाला डबल पावर। स्टोरी एंड म्यूजिक बाय हिमेश रेशमिया। वन मोर सरप्राइज फॉर ऑल द फैंस। कौन कौन है, कौन है वो बटरफ्लाई तितली है। अच्छा गाना, वन डे टू गो, गाने के लिए गाने के लिए। ये क्या घुस रहा है, अरे क्या है? क्या करना, क्या चाहते हैं? अरे गजब, वाह 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 वाह, क्या बनाया यार। तुझे मालूम है बीच में एक नाइट सीन आया था, वो प्योर हॉलीवुड लेवल लग रहा था यार। जिस तरह से प्लेन गिर रहे, ये गिर रहे, इतने सारे चीज़ें, और उनके पूरे बॉडी के आजू बाजू से आग निकलते जा रही है, मतलब किस तरह से उन्होंने उस सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया यार। आज से पहले बॉलीवुड ने ऐसा कभी कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन दिस इज प्योर सिनेमा। प्योर सिनेमा मतलब सिनेमा की माँ बहन कर देना। सच में यार, नहीं 3 मिनट का टाइटल अनाउंसमेंट है, 6 मिनट का टीजर होगा, 15 मिनट का ट्रेलर, और कम से कम 7-8 दिन तक का मूवी होगा। हाँ, तो और कितना रिवोल्यूशन चाहिए इंडस्ट्री। हाँ, में अब लोगों को क्या चाहिए, अब कितना सपोर्ट करेंगे हिमेश भाई। यार अब वो बेचारा एक सिंगर है, देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी फिल्में लगातार फ्लॉप होते जा रही, तो इन्होंने किसी भी डायरेक्टर पे भरोसा नहीं किया। बोले कि छे तुम लोग साले इतने बड़े बड़े डायरेक्टर हो के ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे हो, फ्लॉप हो जा रही है तो मैं ही लिखूंगा। और ऐसा नहीं कि बुरे डायरेक्टर है और बुरे मतलब वो राइटर है, कितना बारीकी से लिखे। और मैंने कहीं सुना है कि इसमें ना 10 विलन्स भी है। हाँ, मतलब तो अब तो समझ सकते कि 10 विलन, मतलब 10 विलन है ना भाई, देखा नहीं तूने? सिनेमेटोग्राफी, स्क्रिप्ट, VFX, डायलॉग्स,
ये सब क्या है? म्यूजिक, फिर उसके बाद राइटिंग्स, क्लास में जाके ऑडियंस में वो एक्ट्रेस आई, वो भी बोलेगी कि मैं कहां आके फंस गई, मैं भी तो विलन ही है। हां, अब मतलब इतना क्रिएटिविटी, और ये क्या क्या लिखा था, क्या एक्सप्लोर यूनिवर्स, एक्सपोज यूनिवर्स मींस वहां पर लोकेश, फिर तलपति, ये लोग क्या बना रहे, क्या और यूनिवर्स का मतलब आप लोग को मालूम है क्या? और वो कौन सा एंड गेम फैंड गेम बनाए थे वो लोग यूनिवर्स में, चीप, वेरी चीप। और यहाँ पर देखो इमेज सोचा, मैं सिर्फ एक ही टाइटल पे बैड एज रवि कुमार, बैड एज तो मैं रिंगटोन रखूंगा यार, सच में क्या ही कर सकते यार। अभी तक मैंने सुना है ना कि हिमेश भाई ने ना गैरेज वगैरह खोला है रे कहीं, तो हाँ देख ना उसमें ही तो पूरी मूवी शूट की है। हाँ भाई, पूरी मूवी उधर ही शूट कर दिया, अगर रिलीज होने के बाद नहीं चला ना तो काम भी वहीं करना पड़ेगा। तो हाँ, ये तो है। लेकिन यार हिमेश भाई इज्जत आ गई आपके लिए यार, उन्होंने लास्ट में लिखा भी कि सेलिब्रेशन नहीं, सरप्राइज फॉर फैन, मतलब वो मानते हैं कि उनके फैंस भी है, जरा हम भी देखे कहाँ हैं साले। तो आई रियली लव्ड इट। इस मूवी का नाम ना बैड एस रवि कुमार नहीं होना चाहिए था। हाँ यार सही बोला, इस मूवी का नाम एस रवि कुमार होना चाहिए था, या फिर संडास रवि कुमार। हाँ ये भी अच्छा है। हाँ, अब इस फिल्म को बनाने में तुझे क्या लगता है, क्या लगा होगा? मुझे तो लगता है ये नोकिया के 3GP फोन से शूट किया गया है। हाँ, या फिर वो 70 रुपए का ग्रीन कलर का पर्दा लेके आया और उसी पे पूरा क्रोमा मार के शूट कर दिया है, तो दिख ही रहा है पूरा। सही बात है, इतना बड़ा टाइटल आया 3 मिनट का, हमारे तो होशो आवाज उड़ गए। लेकिन हमारे साथ एक बड़े एक्सपर्ट हमने बैठा है, तो सूरज जी कैसा लगा आपको? लगता है सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर पा रहे। क्या हुआ सूरज जी, क्या हुआ, आज उठा नहीं गया इसका मतलब नींद से नहीं उठे क्या सूरज जी? नहीं नहीं उठा होगा, ये देख के फिर बैठ गया। हाँ हीरोइन भी नहीं दिखाया ना। हाँ। सूरज भाई एनीथिंग नहीं, या तो फिर ये ट्रेलर का वेट करते रहेंगे, ये भी चाहते क्योंकि इनके पास उम्मीदें बहुत ज़्यादा है ना बॉलीवुड से, तो देखने के बाद ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन मैंने पूरा ट्रेलर देखने के बाद सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि हिमेश सर या तो गाना बनाओ या तो गाना मराओ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को ज्यादा शेयर मत कीजिए क्योंकि इससे पहले ही हमको एक वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक लग गया और ये वीडियो को देखने के बाद भी कहीं हमारा लेने के देने ना पड़ जाए। तो जल्दी जल्दी इसे डाउनलोड करके सेव कर लीजिए क्योंकि ये भी वीडियो रिस्की रिस्की है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।